सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने सुशांत केस में बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। रिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिया के वकील से सीबीआई जांच के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। सुशांत के पिता ने रिया और श्रुति को भेजे पुराने व्हाट्सएप मैसेज साझा किए, जिसमें सुशांत के इलाज की जानकारी मांगी थी। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से आज फिर ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस में रिया की मैनेजर श्रुति मोदी ने पूछताछ में ईडी को बताया कि सुशांत के लेन देन से जुड़े और बाकी सारे फैसले रिया ही करती थीं। खबर है कि ईडी ने रिया शोविक और उनके पिता के बयानों में अंतर होने की वजह से उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। सुशांत सिंह की फॉरेंसिक रिपोर्ट में चोट या हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले और हत्या की साजिश से इनकार किया गया। सुशांत मामले में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पूछा, मुंबई पुलिस आखिर क्या छिपा रही है? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत मामले में शिवसेना को चुप रहने की सलाह देते हुए कहा कि सीबीआई की जांच हो रही है, अब इंसाफ का इंतजार करना चाहिए। घर वापसी के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सीएम गहलोत ने कई बार उनकी बातें अनसुनी की, इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी वो करने के लिए तैयार है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट है और सब उनकी बातें सुनते हैं। पायलट की वापसी पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों का साथ देने वाले 3 निर्दलीय विधायक भी सीएम अशोक गहलोत खेमे में लौट आए हैं। सचिन पायलट की घर वापसी पर टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। राजस्थान के जैसलमेर में जिस होटल में गहलोत खेमे के विधायक ठहरे हैं, उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को 3 चार्टर प्लेन में जैसलमेर से जयपुर के फेयरमॉन्ट होटल में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया कि छेड़खानी से बचने की कोशिश में हुए हादसे में सुदीक्षा की मौत हुई। स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका में पढ़ने वाली गौतम बुद्ध नगर की सुदीक्षा भाटी छुट्टियों में अपने घर आई थी। सुदीक्षा की मौत के बाद उनके घर में मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मायावती ने बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर दुख जताया और योगी सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी को घेरा। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की दर्दनाक मौत पर यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। बुलंदशहर की घटना पर मेरठ रेंज के आईजी परवीन कुमार ने इसे एक्सीडेंट का मामला बताया और कहा कि हादसे के समय भाई बहन ने हेलमेट नहीं पहना था। उत्तर प्रदेश के बागपत में सुबह बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या की गई। बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या पर सीएम योगी ने दुख जताया। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में निजी और राजनीतिक रंजिश होने की बात कही। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बाद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने परिवार के लोगों से बातचीत के बाद मौके का जायजा लिया। कानपुर के बिकरू कांड में 50,000 के इनामी बदमाश गोविंद दुबे को एसटीएफ ने यूपी के चित्रकूट से गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूल न चला पाने की सूरत में एमसीडी से दिल्ली सरकार को स्कूल सौंपने को कहा। खबर है कि चीन तिब्बत में लगातार अपने सैन्य अड्डों को तैयार करने में जुटा है। तिब्बत के होटल बस के पास चीन 2 नए रनवे तैयार कर रहा है। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों के साथ 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आने की जानकारी गृहमंत्री को दी और केस दर्ज कराया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला दिया है कि हिंदू महिलाओं को अपने पिता के प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी के बाद से हालत नाजुक बनी है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद पहली बार पीएम से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर के हालात पर चर्चा हुई। कोरोना पर पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और कोरोना से लड़ाई को सही दिशा में बताया। पीएम ने बताया कि 10 राज्यों में 80% कोरोना के मामले हैं, लेकिन नियमों का पालन होने से कोरोना को हराया जा सकेगा। पीएम मोदी ने बताया कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर हर दिन 7 लाख तक पहुंचाई गई है, जिससे कोरोना को रोकने में मदद मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,601 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,68,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 45,257 हो गया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक महीने में दोगुना होकर 100 तक पहुंच गया है, जबकि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 12,700 हो गई है। पुदुचेरी के दो कैबिनेट मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 707 नए केस आए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़कर 1,86,000 से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी ट्वीट की। पुणे के सीएम इंस्टीट्यूट के दावे के मुताबिक इस साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 500 और शहरी क्षेत्रों में 350 लोगों का सेरो सर्वे के तहत टेस्ट होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरा होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी। दिल्ली के झंडेवालान के मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए तैयारियां और जोर शोर से हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी के त्यौहार पर बधाई और शुभकामना देते हुए सभी से कोरोना से बचकर रहने की अपील की। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में 22 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंदिर को सील किया गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 ATM में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के चमोली में जमीन धंसने से एक दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। देहरादून में बीते 2 दिन से हो रही बारिश से मसूरी जाने वाली रोड टूट गई। खबर है कि लॉकडाउन के बाद से अब तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 15% छात्रों की कोई जानकारी नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बीमा की सुविधा देने और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार किया और चुनाव से जुड़ी तैयारियां वक्त पर पूरा होने की भरोसा दिया। इंदौर पुलिस ने वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा। बीजेपी ने यूपी में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, वहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों के तहत ही विधानसभा सत्र शुरू किया जाएगा। पुलिस ने सोनीपत में दूध के कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब की 790 पेटी पकड़ी गई। लखनऊ में जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, साथ ही ड्रोन से निगरानी के निर्देश हैं। असम के DGP भास्कर ज्योति महंता को कोरोना हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की तमाम सड़कों पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग तेज की। सोमू वीराजू ने आंध्र प्रदेश BJP अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से अहमदाबाद का जाना माना चाइना मार्केट सील कर दिया गया। केरल विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट दीपक वसंत साठे का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों से उड़ानें अब 31 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां इन जगहों से आने वाले विमानों पर रोक लगाई है 15 दिनों के लिए और बढ़ाई। महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री शंकर राव गडाख शिवसेना में शामिल हो गए। कर्नाटक के बेलगावी में हिडकल डैम के सभी 10 गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के भुज में प्रशासन ने पूजा के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मांग ठुकरा दी और दलील दी कि इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस फैलता है। बारामूला में BSF के कांस्टेबल अजय कुमार ने पुलिस वालों की मदद से एक बच्चे को डूबने से बचा लिया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल के कोट्टयम में जेट्टी नाव की सेवाओं को रोक दिया गया। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा किया, साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को ये वैक्सीन दी गई है। ब्राजील में अमेजॉन के जंगलों में भड़की आग अब शहरी इलाकों और खेतों को भी झुलसाने लगी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर ही जाना पड़ा। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने बताया कि 15 अगस्त को न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जनता में भड़के गुस्से और प्रदर्शनों की वजह से लेबनान में प्रधानमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दिया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा दिया। अमेरिकी मंत्री के ताइवान दौरे के दौरान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे चीनी फाइटर प्लेन को लेकर अमेरिका और चीन के बीच फिर ठन गई। WHO ने दुनिया में ज्यादातर आबादी के कोरोना की चपेट में आने की चेतावनी जारी की है।
लॉकडाउन के बीच जुलाई में ऑटो सेक्टर में पिछले साल की तुलना में 36% की गिरावट हुई है। केंद्र सरकार ने कुछ देशों को छोड़कर बासमती और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की शर्तों में ढील दे दी है। MSP 31 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए प्रति किलोग्राम करने के प्रस्ताव के बाद चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। भारत और जर्मनी के बीच हुए समझौते के तहत भारत के लिए यात्री उड़ान सेवाएं 13 अगस्त से दोबारा शुरू होंगी। कोरोना के बावजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मौका मिलने पर अयोध्या आने की इच्छा जताई। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में शेर को बिना कपड़ों का विराट कोहली बता दिया। राजकोट में एक महिला कांस्टेबल ने क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा और उनकी पत्नी को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरने के लिए कहा तो जाडेजा बहस करने लगे। गोरखपुर की एक छात्रा की गुहार के बाद सोनू सूद ने छात्रा की सर्जरी का खर्च उठाने की बात कही। मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेता सूरज पंचोली ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने सुशांत और दिशा केस में बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। जन्माष्टमी पर अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को शुभकामनाएं देते हुए एक तस्वीर शेयर की।